तो ये रही गाइस, देख सकते हैं ये हमारे पास जो नया ड्यूक 200 है उसका। पहले ये व्हाइट कलर में आती थी पर आजकल ये ऑरेंज कलर में आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास है देन ऑल न्यू कलर स्कीम वाली ड्यूक 200 BS6 और ये आई है एकदम ब्रांड न्यू कलर स्कीम के साथ, जो आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि इस पेंट स्कीम का नाम है सिल्वर मेटेलिक ग्रे। और ये आज हमारे पास है तो इसका मैंने सोचा कि एक छोटा मोटा सा रिव्यू कर ली इस कलर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं इस गाड़ी का एक बार वॉक अराउंड दिखा देता हूँ, गाड़ी देखने में कैसी है। तो उसके लिए हम लोगों को कहीं पे रुकना पड़ेगा। सो ये रही गाइस, देख सकते हैं ये हमारे पास जो नया ड्यूक 200 है उसका कलर स्कीम कुछ इस तरह है। वैसे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ये वाला ग्राफिक्स एग्जैक्ट सेम BS4 की तरह है, पर कलर इसमें चेंजेस है। यहाँ पे K और E को ब्लू कलर में दिया गया है और D और U को सिल्वर कलर में दिया गया है, इसके बॉर्डर्स को ऑरेंज करके, और 200 ब्लैक में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ का फ्यूल टैंक जो देख सकते हैं, ये फ्यूल टैंक वही 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक आता है इस गाड़ी में। और सामने से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वही 110 सेक्शन 70x17 का व्हील मिलता है आप लोगों को, रिम साइज इसका 17 है। और उसके बाद यहाँ पे और एक नया चीज़ जो एड ऑन हुआ है वो है ये मडगार्ड के साथ ये फ्लैप पहले नहीं आती थी, आजकल ये फ्लैप भी साथ में आती है मडगार्ड के साथ, ये थोड़ा मडगार्ड को थोड़ा बीपी लुक देता है। उसके बाद इस तरफ अगर हम लोग आते हैं तो वही सेम 300mm का डिस्क मिलता है, 250 और 390 में 320mm का डिस्क मिलता है, पर 200 में और 125 में आप लोगों को 300mm का डिस्क देखने को मिल जाता है। वही सेम 12 पिस्टन के साथ वाइब्रे का कैलिपर मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पर। यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी एड ऑन हुआ है इस गाड़ी में, पहले रिफ्लेक्टर नहीं आई करती थी। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं फ्रंट से शुरू करते हैं, फ्रंट आप लोगों को वही सेम हेलोजिन हेडलाइट मिल जाता है जो DRL के साथ, जो देखने में रात में बहुत खूबसूरत दिखता है और इसका इल्यूमिनेशन भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे LED इंडिकेटर्स के साथ ये गाड़ी आती है, और KTM से मुझे ये शिकायत है कि इस LED इंडिकेटर्स में हमेशा वेपर आने के कारण इंडिकेटर धीरे धीरे फ्यूज हो जाती है। और वही सेम बॉडी डिज़ाइन के साथ ये गाड़ी आती है। इंजन इसका आप लोगों को वही सेम 199.5 CC का इंजन मिल जाता है, जो कि 25 PS का पावर प्रोड्यूस करती है। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी आती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे रेडिएटर मिल जाता है, और यहाँ पे कूलेंट यहाँ से आप लोगों को भरवाना पड़ता है इस रेडिएटर में। कूलेंट डालने का जगह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी अपने बाइक में कूलेंट डालने में बहुत परेशानी हो जाती है। उसके बाद BS6 आने के कारण यहाँ पे आप लोगों को इसका बैंड पाइप यहाँ से आता है, तो उसके कारण ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, पर पहले इतना कुछ नहीं था, पर धीरे धीरे KTM इसको इम्प्रूव कर रहा है और ग्राउंड क्लियरेंस इसका बढ़ा रहा है। अभी तो मुझे लग रहा है कि पहले वाले वर्जन से इसमें ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ ये गाड़ी आती है, जिसका साउंड मैं आप लोगों को एक बार सुना देता हूँ। तो सुन सकते हैं इस इंजन का साउंड कुछ ऐसा है सुनने में। नहीं होती इस गाड़ी में। तो इसका साउंड कुछ इस तरह है, और पीछे वाला जो पैनल है, ये पैनल पहले आप लोगों को व्हाइट में दिखा करता था, पर आजकल ये पैनल भी ऑरेंज कलर में आती है। पहले ये व्हाइट कलर में आती थी पर आजकल ये ऑरेंज कलर में आती है। पीछे का टेल लाइट आप लोग देख सकते हैं, ये वही LED टेल लाइट के साथ आती है, जो पीछे से देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद पीछे भी आप लोगों को LED इंडिकेटर्स के साथ ये गाड़ी आती है। ये इसका नंबर प्लेट होल्डर है, और इसको भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करके टेल टाइडी लगा सकते हैं, जिससे बाइक का लुक और भी खूबसूरत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम व्हील साइज़ आप लोगों को इस गाड़ी में भी देखने को मिलता है, 150 60x17। रिम साइज़ इसका है 17, 150 सेक्शन का ये टायर आता है, वो भी रेडियल टायर MRF की तरफ से, MRF रेफ Z1। और यहाँ पे आप लोगों को मोनोशॉक देखने को मिल जाता है, जो कि 10 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ आती है। इसको आप लोग
ऊपर या नीचे कर सकते हो, हार्ड या स्टिफ या सॉफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे एडजस्टेबिलिटी मिल जाता है। और पीछे आप लोगों को इसका रेंच मिल जाता है जिससे आप लोग इसको घुमा सकते हो, घुमा के इसके एडजस्टेबिलिटी को अलग अलग अंदाज में आप लोगों को जैसा आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद इंजन तो वही सेम है, इसका कलर स्कीम ही बस नया है, ये देख सकते हैं कलर स्कीम। एक बार आप लोगों को वॉक अराउंड फिर से दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो चलिए गाइस एक बार बाइक को अभी एक बार हम लोग राइड करके देखते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है और ये गाड़ी बिल्कुल ही नई है, यहाँ पे देख सकते हैं 1704 किलोमीटर बस गाड़ी चली है। चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं। ड्यूल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आती है। वैसे तो मुझे ABS की इतनी आदत नहीं है क्योंकि मेरी बाइक नॉन ABS गाड़ी है। इस बाइक में एक बात तो है, गाड़ी कुछ ज़्यादा ही स्मूथ है पहले से और गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्लिक हो चुका है। गियर शिफ्टिंग मतलब हद से ज़्यादा स्लिक हो चुकी है। मैंने जब मैं गियर को थर्ड से सेकंड में लगा रहा हूँ तो मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि गियर चेंज हुआ भी कि नहीं। एक बात तो है, पहले जैसा इसका फ्रेंटिक नेचर नहीं रहा और उस बात में बहुत लोगों को दुख हो सकता है, पर गाड़ी बहुत ही स्मूथ हो चुकी है। बहुत कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं, जो कंपनी जो कुछ करती है वो कुछ सोच समझ के ही करती है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू माई बाइक। शायद BS4 के हिसाब से BS6 में उन्होंने स्टेयरिंग कोन में कुछ किया होगा या फिर कुछ तो किया होगा इस फ्रंट वाले सेक्शन में, जैसे कि सस्पेंशन हो गया, एक्सल हो गया, कुछ तो किया होगा जिससे मुझे मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही गेन हो रहा है बॉडी पे। मुझे मतलब लीन करने में और भी मज़ा आ रहा है, मुझे मतलब वो डर सा नहीं लग रहा है कि अभी गाड़ी साथ छोड़ देगी, ऐसा नहीं लग रहा है। पर इसमें मतलब कुछ ओवर कॉन्फिडेंस मैं गेन कर रहा हूँ, पता नहीं वो किस कारण से। डैमिंग मैन, मजा तो है भाई इस गाड़ी में। ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ रहा है इस बाइक में। ऐसा भी हो सकता है शायद इसके टायर के वजह से, या फिर गाड़ी शायद ज़्यादा ही नहीं हो इसके कारण भी हो सकता है। पर इसका जो स्टीयरिंग है, जो हैंडल बार है, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। हालांकि आप लोगों को जब वाइड हैंडल बार होता है तब आप लोगों को ऑनरिंग लेने में ज़्यादा मज़ा आता है, वो मुझे पता है। और ड्यूक 250 में और 390 में हैंडल बार थोड़ा लंबा आता है एज़ कम्पेयर टू 125, पर इसमें मुझे ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, मुझे पता नहीं वो क्यों। कैमरा तो रिकॉर्डिंग कर रहा है, हाँ वो तो कर रहा है। चलो घुमा लेते, ज़्यादा दूर नहीं जाते। और बाकी तो मुझे इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ड्यूक 200 से आप लोग बहुत पहले से ही वाकिफ़ हैं। इसके बारे में आप लोगों को, बहुत लोगों को सब कुछ ही पता है ऑलमोस्ट। ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ मैं। एक बार थर्ड गियर तक देख लेते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड बनाती है। फर्स्ट गियर से शुरू करेंगे हम लोग।
एक्सेलरेटर में ज़्यादा नहीं ले पाया, समझ में नहीं आता है गियर चेंज करने में इतना मज़ा आ रहा है भाई साहब। एक करके मैंने बाइक के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया है आगे से पीछे तक, और बाकी तो सब कुछ सेम ही है इस बाइक का पहले वाले वर्जन से। आप लोग तो अच्छे से वाकिफ हो ही इस गाड़ी को लेके। और गाड़ी अभी सुपर मोटो मोड में, तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी पीछे का व्हील लॉक हो जाएगा जब भी मैं पीछे का ब्रेक जब दबाऊंगा, पर फ्रंट व्हील लॉक नहीं होगा क्योंकि फ्रंट में अभी ABS काम कर रहा है। तो इसी के साथ ही आशा करता हूँ मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया इस बाइक के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, स्टे सेफ, गुड बाय।